हेलो एंड वेलकम टू द अनदर व्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ पीर वारिस शाह। पीर वारिस शाह को शेखुपुरा से दो रास्ते निकलते हैं, एक जो सा है वो गुजरा वाला जो सा है वो लेवे, क्या आप चेरिंग क्रॉस जो सा है वो राइट साइड पे हो जाए अगर आप लाहौर से आ रहे हैं तो, और इसके बाद एक इस तरफ है लेफ़्ट साइड पे जो कि नबीपुरे वाला जो रास्ता निकलता है आगे, और ये दोनों जो सड़कें ये वाली ये जंडियाला शेर खान ये जंडियाला रोड इसको कहलाता है ये वाला, और उसके साथ वो आगे जो नबीपुरे वाली सड़क है जो हिरम मीनार वाली सड़क है वो आगे जाके यहाँ पे दोनों कंबाइन हो जाती हैं। टोटल ओवरऑल मे बी 20 किलोमीटर्स होगा फ्रॉम शेखुपुरा टू पीर वारिस शाह। ये रोड है, ये रमनार को चला जाता है और ये आगे जंडियाला शेर खान जो सा है गांव उधर और पीर वारिस शाह के मज़ार पे। टोल डलवा ही लिया जाए क्योंकि वापस आना है, तो फिर अगर ख़त्म हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। इसको ज़ीरो भी कर लिया जाए, ताज़ा रहता है। कितने किलोमीटर एवरेज दे रही है ये 1 लीटर में। अबाद लाहौर इस्लामाबाद ये मोटरवे है यहाँ पे, और इससे एक पीछे जो मोटरवे है जो गुजरा वाले पास पे है बाईपास पे वहाँ से भी एंटर हो सकते हैं, और ये भी एक है जिसको हिरम मीनार मोटरवे एग्जिट कहा जाता है अगर शेखुपुरा में उतरना हो तो। कल भी मैंने आना था यहाँ पर बट बारिश हो रही थी जिसकी वजह से मैं नहीं आ सका। आगे गर्मियां भी आ रही हैं, मैं कह रहा हूँ गर्मियों से पहले पहले जो सा 2-3 टूर और कर लिए जाएं। मुल्तान साइड वाला तो और टूर हैं। जो स्कूल है यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जंडियाला शेर खान ये, और उसके बाद यहाँ पे ये गवर्नमेंट हाई स्कूल है जंडियाला शेर खान ज़िला शेखुपुरा। शेखुपुरा सिटी का जो सा सबसे ओल्ड स्कूल है यहाँ पे, अंग्रेज़ों के ज़माने का ये बना हुआ है यहाँ पे, जो अंग्रेज़ भी पढ़ते थे और पढ़ाते थे। माउंटेन्स की भी एक अलग बात है कि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन अगर गाँव के अंदर आप लोग जाते हैं तो फिर वहाँ पर देसी चीज़ें जैसे कि दूध मक्खन वगैरह ये चीज़ें जो सी होती हैं और ताज़ा मिलती हैं। यार स्लो चला लो, नहीं कहीं कुछ होने लगा था तुम्हें, जल्दी पड़ी रहती है बस हर एक को ना कि हम पहले गुजर जाए हम पहले गुजर जाए। टर्न लिया है मेन रोड से और ये आगे गेट है वारिस शाह कम्प्लेक्स का, सैयद वारिस शाह मेमोरियल कम्प्लेक्स। इसकी ठीक है, और यहाँ से मेन एंट्रेंस है और उसके बाद कुछ बैक साइड का ये वाला एरिया है, किसी को गोलगप्पे पसंद है तो वो भी आगे खा सकता है। जी पहले हम वैसे ही एंटर हो सकते थे, अब ये शूज़ों वाले इन्होंने ये कर दिया सिस्टम। पहले नहीं था ये, पहले आप शूज़ वगैरह भी पहन के आ सकते थे, लेकिन रेड कारपेट अब बिछ गया है यहाँ पे। 23, 24 और 25 सितंबर को जो उनका इनका सालाना उत्सव होता है। राज के पूर्दा फिरें
ये था आज का व्लॉग। तो फिर आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं।